Hi guys, welcome to my channel and I'm back with another video of festive home decor as the festivals are on their way. So, इस वीडियो के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा पिछावी आर्ट वॉल हैंगिंग चूज किया है. So, without any further delay, let's get started. So, यहाँ मैं प्रिंटिस्ट की हेल्प से काओ इमेज का रेफरेंस सेलेक्ट करूँगी. ओके, तो मैंने अपनी सिलेक्ट की हुई इमेज का प्रिंट आउट ले लिया है, साथ ही साथ लोटस फ्लावर की भी इमेज का भी प्रिंट आउट निकाल लिया है. अब मैं इसकी कटिंग करूँगी. सेम वे मैंने सभी इमेजेस की कटिंग कर ली है. और अब हम एक चार्ट पेपर लेंगे. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर का ले सकते हो. मैंने यहाँ पिंक चार्ट पेपर लिया है. और अब मैं काओ इमेज के आउटलाइन चार्ट पेपर के ऊपर ट्रेस कर रही हूँ. और अब मैं सीजर की हेल्प से इसको कट करूंगी. यहाँ आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी आप चार्ट पेपर लो वो यूजुअल से थोड़ा सा थिक होना चाहिए. ओके, तो ये हमें हमारी कटिंग मिल गई है. अब मैं फेविस्टिक यूज़ करके इसको इमेज के नीचे स्टिक करूँगी. जस्ट इन केस कहीं से चार्ट पेपर थोड़ा बाहर आ रहा है तो आप उसे ट्रिम भी कर सकते हो. सेम वे मैंने सभी कटआउट को चार्ट पेपर का बेस दे दिया है. नाउ टू ऐड मोर डिटेल इन द लोटस, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ गोल्डन कलर का मार्कर और इसकी आउटलाइन को हाईलाइट कर रही हूँ. सेम वे दूसरे लोटस पे भी ऐसे ही करेंगे. अब मैं यूज़ करूँगी डेकोरेटिव स्टोन्स लोटस को और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए. ये दूसरा स्टोन दूसरे लोटस के लिए. फाइनली इन सभी को असेंबल करने के लिए मैं लूँगी गोल्डन थ्रेड, कुछ पर्ल्स, फोम फ्लावर्स और गोटा. और इन सभी को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी फेवी बॉन्ड और मास्किंग टेप का. तो अब मैं गोल्डन थ्रेड में सारे के सारे मोती डाल दूंगी
मैं गोटे के ऊपर फ्लावर को स्टिक करूंगी विद द हेल्प ऑफ फेवी बॉन्ड। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दोनों गोटे तैयार कर लिए हैं। तो अब गोटे के बैक साइड में मैं फेवी बॉन्ड लगा के गोल्डन थ्रेड को ऐड करूंगी और इसको सिक्योर करूंगी मैं मास्किंग टेप से। अब जैसे जैसे मैं दिखाती जा रही हूँ सेम वे आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें असेंबल करनी है। जैसे अब मैंने लोटस ले लिया है, फेवी बॉन्ड लगाया, थ्रेड उस पर स्टिक किया और साथ ही साथ उसे मास्किंग टेप से सिक्योर कर दिया। सेम वे दोनों लोटस मैंने लगा लिए हैं। एक एक बीट मैंने मोती का बीच बीच में दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। अब जो मेरा एक और गोटा वाला फ्लावर बचा था मैं उसे भी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ मुझे एक मोती कम लग रहा है, मैं इसमें एक और मोती ऐड कर लूंगी और इसे हमारे फाइनल कटआउट पे, जो कि काउ का कटआउट है, उस पे ऐड कर लेंगे। यहाँ लूप के लिए मैं सेम थ्रेड यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको इस पे स्टिक किया है। एंड अगेन सिक्योर करने के लिए मैं वापस से मास्किंग टेप का ही यूज करूंगी। और बस हमारा वॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। ये देखिए सेम वे मैंने दूसरा वॉल हैंगिंग भी रेडी कर लिया है।